गुरुजी फिर मैंने मना कर दी, मैंने मैं इसके दांत वात तोड़ दूंगा जवानी में, अच्छा सारा लगने का बिना दांतों के लगा तो लगा लोग फटाफट। गुरु जी के जिम में बॉक्सिंग, कई करोड़ रुपए का नुकसान में हूँ मैं रोहित खत्री के हिसाब से। करेगा अभी भाई, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। नहीं अबे ये Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajveer Sisodia. And guys, आज हम वर्कआउट करने वाले हैं पूरे एक महीने बाद। जैसे आपको पता है कॉन्ट्रोवर्सी के चक्कर में वर्कआउट मेरा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं बहुत टाइम से, उनको पता होगा जब भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता हूँ अच्छा खासा मैं चल रहा होता हूँ, पता नहीं कहाँ से रुकावटें मेरी लाइफ में आती हैं। या तो इंजरी हो जाती है, 3-4 महीने बेड पे हो जाता हूँ, वर्कआउट छूट जाता है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या कोई केस हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होनी होनी है जिससे मेरा वर्कआउट रुकना ही रुकना है। एनीवेज जो हुआ ठीक है, आज से हम वर्कआउट शुरू कर रहे हैं अपना फिर से, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे नाराज भी हैं कि भैया फिटनेस कंटेंट हम देखते हैं आपका फिटनेस कंटेंट का, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ले लो मोटिवेशन, आज से हम वर्कआउट शुरू कर रहे हैं। गुरुजी के पास आके जब भी दोबारा शुरू करता हूं तो गुरुजी के पास ये करता हूं, यहां से इसी जिम से मुझे मोटिवेशन मिलता है। दूसरी चीज, बहुत सारे भाई मसल रिकवरी को लेकर परेशान रहते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू स्टडीज ये पाया गया है कि बॉडी वेट इनटू 1.5 इन ग्राम प्रोटीन आपको इंटेक चाहिए पूरे दिन में। अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपको कम से कम 75 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। 100 किलो वजन है तो 150 ग्राम प्रोटीन कम से कम आपको खाना पड़ेगा अगर आपको मसल रिकवरी करनी है तो। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं बिग मसल न्यूट्रिशन का इसेंशियल वे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट, बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी डाले गए हैं ताकि आप अपने प्रोटीन को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर सको। मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, ट्रस्ट सील इसके ऊपर दी गई है, आप इसके ऊपर सील को स्कैन करके आप पहुंच सकते हो सीधे इनकी वेबसाइट पे, जहां पे आप इसकी लैब रिपोर्ट्स भी देख सकते हो। 24 ग्राम प्रोटीन आपको पर सर्विंग मिल जाएगा, ग्लूटेन फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, 11 ग्राम इसके अंदर ईडब्ल्यू आपको मिल जाता है, 4 ग्राम आपको ग्लूटामाइन मिल जाता है। बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसकी जो 1 किलो की जो पैकिंग है वो 975 रुपए के आसपास की है, तो जो भाई हमारे कहते हैं कि हम प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो ये जैकपॉट है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? काम इसका यह है कि आपकी मसल बिल्डिंग में, आपकी लीन मसल बिल्डिंग में, आपके फैट लॉस में जो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में बहुत हेल्प करेगा। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे भाई हैं, बहन हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं, जिम जाती हैं, नहीं भी जाती हैं तो भी इसको यूज कर सकती हैं। मिक्सिबिलिटी में इसको दिखा देता हूं आपको, और अब ये नई पैकेजिंग में आ गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह की सील है। बहुत सारे भाई हमारे परेशान होते हैं और डबल इसके अंदर आपको पैकेजिंग मिल जाती है, तो हम सिर्फ ले रहे हैं इसका एक स्कूप आपको दिखाने के लिए कि इसकी मिक्सिबिलिटी और टेस्ट कैसा है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा शेक करने की जरूरत नहीं है, लम्ब्स नहीं बनते हैं। देखो बहुत कम मैंने शेक किया है और मिक्सिबिलिटी इसकी एकदम धांसू है। और जिनको ये डाउट होता है कि भाई हम पीते भी हैं, हाँ पीते भी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके तुरंत अभी के अभी बाय कर लेना, चाहे आपका गोल फैट लॉस हो या मसल बिल्डिंग हो। बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इससे ज़्यादा सस्ता, इससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मुझे नहीं लगता इंडिया के अंदर कोई भी ब्रांड आपको देगा। और सील इसकी बहुत मस्त है, पैकेजिंग इसकी बहुत मस्त है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वर्कआउट करें। हमारा भाई रोहित भी आया हुआ है, उसके साथ भी एक दो डंबल उठा लें और गुरुजी के साथ आपको बताइए लेट्स गो। गुरुजी थोड़ा ध्यान हम पे भी दे दो, सारी बॉडी रोहित की बनवाओगे। वजन बढ़ गया, बढ़ गया थोड़ा सा, बढ़ा हुआ है ना, डाइट पे जोर है, लफड़ों पे और डाइट पे। तो गुरुजी क्या वर्कआउट करवा रहे हो आज? लास्ट वर्कआउट मेरा हुआ था भैया कितनी मार्च को, 9 मार्च को, आज हमारी 6 मार्च है, तो मिक्स करूंगा। गुरु जी घूम कर जीरो पे आ जाता हूँ, बता दिया जाए 10-12 दिन वर्कआउट होगा बहुत डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, घूम फिर के फिर वहीं आ जाता हूँ, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है मेरा वर्कआउट छूट जाता है। पूरे 1 महीने का गैप हो गया, बॉडी इतनी अच्छी शेप ले रही थी लेकिन भाई पूरी बॉडी की बैंड बच गई। तो आज मैं मिक्स वर्कआउट करूंगा, गुरु जी कराएंगे हमें चेस्ट, बैक और शोल्डर, क्योंकि कोई एक मसल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा शोर ना हो जाएंगे। बताओ गुरु जी कहाँ शुरू करूँ? पुशअप्स 4 सेट, फ्लैट बेंच और फ्लैट इंक्लाइन करेंगे। पुशअप्स के 4 सेट एक साथ मार दूँ? ठीक है, फिर फ्लैट बेंच 4 सेट और इंक्लाइन 4 सेट, फ्लैट 4 सेट इंक्लाइन 4 सेट, ठीक है। तो दो बैक की करेंगे, दो शोल्डर, 25-25-50 शो कर रहा है गुरु जी, वेट तो पूरा तगड़ा मार रहा रोहित, तगड़ा हो रहा भैया, खा खा पीनट बटर है ना। वैसे शार्पनेस कम लग रही थी थोड़ी सी, हमें ना पता ही भीतर से इतना तगड़ा आ तू। चलो भैया 4 सेट पुशअप्स के नॉन स्टॉप, बढ़िया पुशअप्स मारने हैं, डीप पुशअप्स मारने हैं, तो दो एंगल लो और इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमारे पुशअप्स के कभी भी गैप आ जाए तो एक साथ एक वर्कआउट नहीं करते, क्योंकि हैवी कर लेते तो सोरनेस बहुत ज़्यादा होती है एक मसल में, तो सोचा
पूरी बॉडी का वर्कआउट कर लो जिससे थोड़ी थोड़ी सोरनेस भी रहे और बहुत ज्यादा मसल में पेन भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट डे वर्कआउट की मोटिवेशन भी बनी रहे। गुरु जी मार ली 4 सेट, यही 40 से लगा फिर 60 से लगा। अभी कितना आए गुरु जी? 60 है, इससे ही मार दूं? डाल 10। चलो भाई लौट के बुद्धू घर को आए, दोबारा 10 किलो की प्लेट पर आ गए घूम फिर गए। बैक टू बेसिक्स, पता नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुरु जी 5 बढ़ाऊं? गुरु जी कितने रहे बताओ? 12 में फेल नहीं होगा तो वो लगा दे 12 ही, ठीक है। समझदारी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। गुरु जी को सारी पता 12 पे फेल ना होगा। रेस्ट का थोड़ा 12 थोड़ा, अब मतलब 3 और लगाएंगे ना अब? हाँ, अभी के भी फिर बढ़ा के लगा, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बस। तो दूसरा सेट भैया हमारा रोहित भाई की छत्तर छाया में इंक्लाइन बेंच पर है। गुरु जी इसके भी 4 ही सेट? हाँ। और बस 2 एक्सरसाइज आपकी, ठीक। ओनली 60 kg, कितने रैप गुरु जी? 12 गुरु जी फिर मैंने मना कर दी, मैंने मैं इसके दांत वात तोड़ दूंगा जवानी में, अच्छा सारा लग देगा बिना दांतों के। पैसे तो ठीक थे पर मुझे दर्द आएगा ना, लगा तो लगा लोग फटाफट। गुरु जी के जिम में बॉक्सिंग फ्री, पे-पर-व्यू नहीं, हर चीज में पैसा चाहिए तुझे। आपको मेरे को तो भाई बॉक्सिंग मैच कर रहे हैं फ्री में मार लाज एक दूसरे का। गुरु जी देख रहे हो बिजनेस माइंड फ्री में, तो इस हिसाब से तो मेरे अकाउंट में करोड़ होते जितना मैंने घुसा बजाया गुरु जी पूरी जिंदगी में। क्या 1 करोड़ रुपए का नुकसान में हूँ मैं रोहित खत्री के हिसाब से? घना करेगा अभी? पागल हो गया भाई, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। नहीं अबे ये होगी सुखेरा, नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये करेगा, हो गई ये। हाँ ठीक है रोहित भाई, मैं तो ऐसे ही मजे ले रहा हूँ। अच्छी बड़ी कंपटीशन क्रैप चल रही है भाई। गुरु जी इसमें रेस्ट ना मिला बिल्कुल भी? अच्छा मार लगा दे, चल 8 लगा दूं? हाँ पहली ट्रेनिंग 1 महीने बाद की, 2 मिलियन फॉलोवर के बाद की पहली ट्रेनिंग। छोड़ दी थी, छूट गई थी, भागे फिर रहे गाड़ियों में लड़के ले लेके, ट्रेनिंग हो रही है 5 सीटर गाड़ी में 8-8 लड़के पुर साहब की बाजू ऊपर ना हो रही। तो भाई चेस्ट के 2 सेट मारने के बाद, 2 एक्सरसाइज मारने के बाद हम आ गए बैक की एक्सरसाइज पे, 6 एक्सरसाइज मारेंगे टोटल। तो 2 चेस्ट की, 2 बैक की, 2 शोल्डर की, जिससे कि हमारी ऑलमोस्ट फुल बॉडी, क्योंकि चेस्ट में ट्राइसेप्स पंप हो गए, बैक में बाइसेप्स हो जाएंगे और शोल्डर करेंगे लेग्स अंकल कर लेंगे, तो इस तरह से हमारी फुल बॉडी पंप हो जाएगी आज। तो भैया कुल मिला के बात ही है, जिंदगी में कुछ भी टेंशन चल रही हो वर्कआउट थोड़ा बहुत करते रहो, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी करोगे ना काफी है, इतना गैप ऐसे होता नहीं है बिना इंजरी के, या तो इंजरी में हुआ 3-4 महीने का, फिर इंजरी के बाद वर्कआउट शुरू करा 10 दिन वर्कआउट हुआ उसके बाद हमारा, आपको पता ही सारी चीज। तो शरीर को बिल्कुल ढील देना गलत है, थोड़ा बहुत अगर हफ्ते में 2 दिन का 3 दिन का भी टाइम मिलता है तो टाइम निकाल के 1.5 घंटा वर्कआउट कर लो। बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर ये मेरा फर्ज है आपको समझाना। तो दूसरा सेट मारेंगे, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे और लेट्स गो। गुरु जी अब कमरा दिवाई दो, अपने हैं ऊपर एक कमरा बना दो, 1 महीना भी रह गया ना गुरु जी में, और सुबह शाम का कर लिया वर्कआउट, बॉडी 1 महीने में तैयार है। 2, 3,
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। चलो गुरु जी, एक दो तीन लेट्स को छोड़ने देनी चाहिए, कल चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। वो हमारी तो ना करता सेवा इतनी, तो नहीं करता क्या, कहाँ करे हमारी तो भाई ऐसा है, दो सेट हमने करे, दो एक्सरसाइज करी चेस्ट की, फ्लैट बेंच और इंक्लाइन बेंच कह रहा हूँ, दूसरा लेट पुल डाउन, तीसरा हमारा टी बार रोइंग, इसके बाद हमारी शोल्डर की दो एक्सरसाइज है, सबके चार चार सेट कर रहे हैं, तो एक तरह से हमारा फंक्शनल वर्कआउट हो गया, मिक्स वर्कआउट हो गया पूरी बॉडी का। ठीक है, तो भाई वन एंड ओनली माई फेवरेट डंबल साइड रेज हमारे साइड डेल्ट के लिए, चार सेट करेंगे अब शोल्डर के साइड रेज और चार सेट करेंगे हमारे डंबल प्रेस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। बढ़िया मसल फेलियर चाहिए तो या तो हैवी वेट से 8 से 10 रैप और ज़्यादा हैवी नहीं जाना तो मीडियम वेट से 15 से 18 रैप, बात वही पड़ जाती है, मसल फेलियर उतना ही होता है। ठीक है, तो इसके चार सेट करेंगे। तो भाई ऑलमोस्ट एक महीने बाद वर्कआउट करा, हल्का हल्का जो पंप आया ना, इतना सुकून फील हो रहा है, लग रहा है हाँ मैं जिंदा हूँ, कसम से यार, वर्कआउट करके जो पंप आता है और पंप का जो फील होता है ना, उसी बात ही कुछ और है। तो भाई लास्ट एक्सरसाइज है और क्योंकि आंखें तुम्हें दिख रही होंगी, देखो खुल नहीं रही है बिल्कुल भी, रेड हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि देसी गबरू भी हम संभाल रहे हैं, भागा दौड़ी बहुत ज्यादा हो रही है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, एक एक दिन में दो दो ढाई ढाई घंटे की नींद मिल रही है, मतलब मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी, और मैंने प्री वर्कआउट भी यूज नहीं किया, ऐसा लग रहा है आंखें वर्कआउट करते करते ही बंद हो जाएंगी। तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है डंबल प्रेस, बहुत ज्यादा हैवी नहीं जा रहा हूं मैं, इसके चार सेट हम करेंगे, वन तो इसके भी चार सेट करेंगे और ऑलमोस्ट हमारा फुल बॉडी हो गया, चेस्ट बैक शोल्डर, चेस्ट में ट्राइसेप्स पंप हो गए और बैक में हमारे हल्के हल्के बाइसेप्स पंप हो गए, और कल हम लेग्स और बाई ट्राई कर लेंगे हल्का हल्का, तो हमारा इस तरह से, और मंडे से क्योंकि सैटरडे संडे को थोड़ा सा कर लूंगा, मंडे से बैक टू रूटीन हो जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेलर में थोड़ा चक्कर में कोई भी नहीं टक्कर में, बाय।